ये इसका पूरा बॉक्स है, इसको ओपन करते हैं, देखने के लिए केबल की क्वालिटी तो अच्छी है, काफी ठीक है। दूसरी एक्सटेंशन की केबल से भी मोटी है, तो ये प्लस पॉइंट है। सी, ये मेरा पुराना एक्सटेंशन है, ये नया है, ठीक है। इजी टू, आसानी से खींच रही है, वो भी प्लस पॉइंट है। बंद करके देखते हैं कितने आसानी से बंद होता है। यहाँ से इसको पकड़ के घुमाना है, थोड़ा घुमाने वाला छोटा है तो मेहनत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा है घुमाने में। एक तो मोटी तार है और दूसरी इसे घुमाने वाला है, ये जो बंद करने वाला है ये थोड़ा हार्ड हो रहा है करके। जितना अंदर जाता है इतना बहुत है, ठीक है। अभी क्या है, ये आई थिंक डिज़ाइन ही है, कोई लाइट वाइट इसमें नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। एक बार चला के देखते हैं, साथ में एक बोर्ड है उसमें प्लग इन कर देता हूँ। अरे इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इसको मैं प्रेस करके देखते हैं, ड्यूरेबल है। क्या लिखा है, एंकर मेड इन इंडिया। चलो मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया है। अब टेस्ट करते हैं प्लग्स लगा के, किस किस टाइप के प्लग्स इसमें अटैच हो जाते हैं। पहले हम ये ट्राई करेंगे थ्री प्लग, इसको बंद कर देते हैं, ये प्रॉपर लगा है। क्या इसके साथ दूसरा प्लग लगेगा, लग तो गया, देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके साथ हम इसको टेस्ट करते हैं। यह है एक मिनी फ्रिज विदाउट कंप्रेसर। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड में लेफ्ट पे क्लिक कीजिए। वर्क कर रहा है, इसको निकाल देते हैं, सॉरी बंद करना वीडियो। दूसरा प्लग लगा के देखते हैं। प्रॉपर्ली लग गया, दूसरा भी लग गया, एक और लगा के देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसको निकालो, निकालने में इजी है, इसको निकालने में थोड़ा ऐसे करके निकालना पड़ रहा है, एकदम से आप खींच नहीं सकते, काफी टाइट है। एक बार इसकी पूरी वायर देख लेते हैं कितनी निकलती है। तार ज्यादा ना खींचे इसके लिए, आई थिंक ये सेफ्टी पॉइंट भी दे रखा है। 4 मीटर वायर है, देखिए काफी लंबी है, ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसको पूरा खोल के एकदम पूरा सुलझा के ही बंद करना, नहीं तो तार खराब हो जाएगी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में।